दोस्तों एशिया कप के रिगार्डिंग यहाँ पर भारतीय टीम ने केएल राहुल 11 बनाकर रोहित शर्मा 11 बनाकर एनसीए में यहाँ पर एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला। इस मुकाबले का काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट रहा। आपको इस मुकाबले की हाईलाइट इस वीडियो में बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा इस मुकाबले का क्या रिजल्ट रहा है, कौन सी टीम ने कितना स्कोर किया था, कौन से प्लेयर ने आखिर क्या स्कोर किया था। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो कुल मिलाकर रोहित 11 की एक टीम बनाई गई थी, केएल राहुल 11 की एक टीम बनाई गई थी। रोहित 11 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसके साथ ही सुरेश अय्यर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ यहां पर केएल राहुल 11 में तिलक वर्मा, केएल राहुल, इसके साथ ही संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव जैसे प्लेयर्स मौजूद थे। इसके साथ ही रोहित 11 ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 300 से भी अधिक रन बनाए थे, जहां पर विराट कोहली ने इस टीम के 120 रन बनाए थे, रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए थे और सुरेश अय्यर ने 87 रन की पारी खेली थी। हालांकि केएल राहुल 11 यहां पर टारगेट का पीछा करते हुए यहां पर 49 रन से यह मुकाबला हार गई थी। केएल राहुल 11 के लिए केएल राहुल ने 97 रन बनाए थे, संजू सैमसन ने 42 रन बनाए थे, सूर्यकुमार यादव ने 88 रन बनाए थे। इस मुकाबले में यहां पर दोनों टीमों की तरफ से जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए थे, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, सिराज ने 3 विकेट, कुलदीप ने 1 विकेट और शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया था। तो काफी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला था। यहां पर यूट्यूब पर कॉपीराइट इशू की वजह से हम इस मुकाबले की वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने मुकाबले कंप्लीट हाईलाइट कंप्लीट यहां पर वीडियो पोस्ट कर दी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आप कंप्लीट वीडियो कंप्लीट मुकाबले की हाईलाइट देख सकते हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इनमें से कौन से खिलाड़ी एशिया कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, कौन से खिलाड़ी को आखिर एशिया कप में बैक कर रहे हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।